हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषिकाज एजुकेशन लाइफ। माई सेल्फ ऋषिका एंड हियर इज़ द वीडियो फॉर यू। एंड गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी स्टैंडर्ड 10th लेसन ऑफ योर्स, दैट इज जॉन ऑफ आर्क, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एंड बेसिकली एक प्ले का पार्ट है आपका, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द कंटेंट ऑफ दिस लेसन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक द बटन एंड शेयर माई वीडियो। एंड गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नाउ। सो गाइज, दिस इज़ अ लेसन ऑफ योर्स दैट इज़ जॉन ऑफ आर्क। एंड बेसिकली ये एक प्ले है जिसको लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, एंड ये एक पार्ट है, ओके, जॉन ऑफ आर्क के प्ले का एक पार्ट है छोटा सा, ओके। एंड बेसिकली इसमें जो जॉन है, शी इज़ अ गर्ल, वो एक मेन पार्ट है इस पूरे प्ले की। एंड वो एक पीजेंट फार्मर, मीन्स एक फार्मर की बेटी है जो बहुत ही गरीब है, और उसने साथ ही फ्रांस को बहुत सारे वॉर्स में जीत दिलाई थी, ओके। सो बेसिकली उसकी कहानी है ये, वो सिर्फ 19 ईयर्स की थी, ओके। सो विल स्टार्ट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1856 to 1950, बेसिकली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज बॉर्न ऑन 26 July 1856, वॉज एन इरिश, इरिश मीन्स रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड, ओके, आयरलैंड के रहने वाले थे। प्ले राइटर एंड क्रिटिक, क्रिटिक मीन्स टू गिव ओपिनियन, आपने देखा होगा ना, ओपिनियंस वगैरह देते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, सो वो भी वो करते थे। ही रोट मोर देन 60 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन 1902, पगमेलियन 1912 एंड सेंट जॉन 1923। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम, मीन्स वो ड्रामा वगैरह लिखते थे, वो एक बहुत ही फेमस उस टाइम के ड्रामेटिस्ट थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925, एंड 1925 में उन्हें नोबल प्राइज मिला इन लिटरेचर। द वॉर फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 to 1453 हैज कम टू बी नोन एज द 100 ईयर्स वॉर। तो आप खुद ही समझ सकते हो, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ था, जो युद्ध हुआ था, वो कब से कब तक हुआ था, 1337 to 1453, और इसे एक 100 ईयर वॉर्स की तरह कहा जाता है, ओके, 100 साल का युद्ध। जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस हु लीड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर, ओके। एंड जॉन क्या थी, एक पीजेंट, पीजेंट मीन्स फार्मर, एक तरह से आप कह सकते हो कि पीजेंट, जैसे फार्मर बहुत सारे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो दूसरे की लैंड पर जाकर वहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, सो उनकी खुद की लैंड नहीं होती है, वो वहाँ पर जाके क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, ओके। सो दिस इज़ द पीजेंट, वो एक गरीब फार्मर की बेटी थी जो कि ईस्टर्न फ्रांस के ईस्टर्न साइड में उसका जन्म हुआ था, और उसने फ्रेंच आर्मी को लीड किया था, ओके, और उसने बहुत सारी विक्ट्रीज जीत उस वॉर में फ्रेंच आर्मी को दिलवाई थी। दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल। तो ये प्ले ना, इसकी शुरुआत कैसे होती है, जब राइटर कैसे लिख रहे हैं, इस प्ले की शुरुआत होती है वो उस टाइम का दिखाया जाता है जब कि नॉर्दर्न साइड का फ्रांस और कुछ साउथ वेस्टर्न पार्ट जो थे फ्रांस के, वो अंडर फॉरेन कंट्रोल थे, मीन्स इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड द बर्गेंडियंस कंट्रोल्ड द अदर्स। तो इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड ने कुछ पार्ट्स को कंट्रोल किया था, और बर्गेडियंस मीन्स इनहैबिटेंट ऑफ बर्गंडी, मीन्स वो उस प्लेस के, ओके, इट इज कंट्रोल बाय द टू पीपल, इंग्लिश एंड बर्गेंडियंस। सो कुछ पार्ट्स इंग्लिश के कंट्रोल में थे और कुछ बर्गेंडियंस के। The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. Okay? So, New Orleans की जो city थी, शहर था, वो French के कुछ ऐसे cities में था जिसके, इसका control English के पास था, means England के पास था। This year is 1429, और वो साल कौन सा था, 1429। Captain Robert B. Warwick Coote, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. तो steward का मतलब होता है a person who manages a large household. Okay, एक ऐसा person जो event वगैरह को manage करता है, yes, control करता है, that is steward. तो ये
सो ये स्टोरी बिगिन हो रहा है. कैप्टन रॉबर्ट है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो अपने टेबल पर बैठे हुए हैं और उनके जो स्टीवर्ड है वो उनकी तरफ फेस कर खड़ा हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर रॉबर्ट. सो बेसिकली ये कन्वर्सेशन टाइप रहेगा. ओके एंड क्योंकि एक प्ले है ओके सो यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर्स हैं न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपको पता चलते जाएगा. सो दिस इज द रॉबर्ट जो कि कैप्टन है, मिलिट्री ऑफिसर है, वो स्टीवर्ड से कह रहा है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट. यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माय ऑर्डर्स. आर दे अफ्रेड ऑफ हर. सो यहाँ पर वो स्टीवर्ड को कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की को बाहर निकाल दो. तुम्हारे पास 50 से ज्यादा ओके 50 आर्म्ड सोल्जर्स हैं, मीन्स हथियारों से लैस सोल्जर्स हैं और डजन भर के स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स हैं जो कि मेरे ऑर्डर्स को उठा सकते हैं, जो मैं ऑर्डर कहता हूँ वो कैरी कर सकते हैं. क्या वो सब उससे डरते हैं? स्टीवर्ड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस. ओके सो व्हाट स्टीवर्ड सेइंग कि नहीं सर, हम आपसे ही डरते हैं. ओके लेकिन वो क्या करती है, हमारे में साहस भर देती है, करेज, हिम्मत दिलाती है हमें. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. ऐसा लगता है कि वो रियली में किसी भी चीज से नहीं डरती है. परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर. सो व्हाट इज टेलिंग कि लेकिन शायद आप उसे डरा सके. रॉबर्ट, गॉमली. गॉमली मीन्स सीरियसली. ओके सीरियसली क्यों बोलता है? परहैप्स मेबी. वेयर इज शी नाउ. अभी वो कहाँ पर है? स्टीवर्ड, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर. सो स्टीवर्ड से क्या कहता है? डाउन इन द कोर्टयार्ड सर. कोर्टयार्ड यानी ना आपने बहुत सारे टाइम टीवीज वगैरह या फिर मूवीज में देखा होगा जो महल या फिर कैसल वो लोग दिखाते हैं उसके बीचों बीच एक गार्डन टाइप होता है. ये गार्डन होता है ओपन. ओके वो वॉल से घिरा हुआ होता है बट वो ओपन होता है. तो डैट इज द कोर्टयार्ड. ओके मैदान के टाइप होता है छोटा सा. सो वो कहता है कि जब रॉबर्ट उसे पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है, सो वो कहता है कि नीचे कोर्टयार्ड में. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क्स द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप. फिर रॉबर्ट विंडो की तरफ जाता है और नीचे खड़े हुए सोल्जर्स, जो सैनिक खड़े हुए रहते हैं, उसे कहता है कि इस लड़की को ऊपर भेजो. द गर्ल एंटर्स. शी इज अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर्स. ओके सो वो लड़की अंदर आती है. वो एक वेल बिल्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ओके अच्छी खासी एक देश की लड़की, एक कंट्री गर्ल है जो कि 17 to 18 ईयर्स की है. द स्क्वायर ग्लेयर्स नाइदर फ्राइटन हर नॉट स्टॉप्स हर. शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली. ग्लेयर का मतलब होता है एन एंग्री लुक देना एंड स्क्वायर मीन्स अ पर्सन ऑफ हाई रैंक. ओके एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही हाई रैंक पर हो, जैसे आप रॉबर्ट यहाँ पर समझ सकते हो. सो रॉबर्ट जो उसे एक एंग्री लुक देता है उससे ना वो डरती है ना उससे रुकती है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रही है. हर नेम इज जॉन. गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. You are to give me horse and armor and some soldiers and send me to the dove. So यहाँ पर वो उसे greet करती है good morning कहकर और कहती है कि आप मुझे घोड़ा, एक armor और कुछ soldiers दे दे और मुझे dolphin के पास भेज दे. Okay and send me to the dolphin. So यहाँ पर dolphin एक oldest son, okay, of the king of the France, जो राजा बनने वाला है, उसके father के बाद राजा बनेगा dolphin. तो रॉबर्ट कहता है दिस गर्ल इज मैड. व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड. ओके सो ब्लॉकहेड का मतलब होता है अ स्टूपिड पर्सन. यस यू कैन सी. ओके अ स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ आदमी. ओके बेवकूफ इंसान. सो यहाँ पर रॉबर्ट कह रहा है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये लड़की पागल है. ओके ये लड़की पागल है, तुमने मुझे ऐसा पाया, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा. यू ब्लॉकहेड. स्टीवर्ड, सर Do not angry her. Gave her what she wants. So Steward यहाँ कहता है सर उसे आप एंग्री ना करें, उसे जो चाहिए आप उसे दे दें. Robert, I shall send you back to your father with orders to put you under lock and key. So यहाँ पर Robert John को कहते हैं कि मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा अपने father के पास और उन्हें और एक order के साथ कि वो तुम्हें ताले चाबी के अंदर means बंद करके लॉक करके तुम्हें रख दे.
John, you think you will square, but it won't happen that way. You said you would not see me, but here I am. तो जैसे ही रोबोट उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास वापस भेज दूंगा ये इन ऑर्डर्स के साथ कि वो तुम्हें ताले चाबी के अंदर बंद कर ले, मीन्स अंदर बंद करके लॉक करके रख दे. सो जॉन उसे कहती है, यू थिंक यू विल स्क्वायर बट इट वोंट हैपन दैट वे, यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हेयर आई एम. सो वो कहती है कि आप ऐसा जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा क्या, है ना, ये ऐसा नहीं होने वाला. आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं देखोगे, पर देखो यहाँ पर मैं हूँ, अभी यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ. रोबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट. अज्यूमिंग मीन्स टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ओके, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना, ओके. जैसे किसी की बात को हम अगर अपने हिसाब से देखने लगते हैं. सो रोबर्ट यहाँ पर कहता है कि अच्छा तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इसे टेकिंग फॉर ग्रांट ले रही हो. तो जैसे उसे रोबर्ट कहता है कि तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा, जॉन यस स्क्वायर कंटिन्यूस ब्यूसली, मीन्स वो एकदम लगातार बोली जा रही है और वो कहती है, यस अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 francs. 16 francs मीन्स द करेंसी ऑफ फ्रांस, ओके. 16 francs लगेंगे एक घोड़े के. इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, ओके, ये जो पैसा है थोड़ा ज़्यादा है, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर. लेकिन मैं क्या करूँगी, इसे आर्मर पर सेव करूँगी. आर्मर मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मेटल का कवच होता है, यस, हिंदी में उसे कवच कहते हैं आर्मर को, जो सैनिक आमतौर पर पहनते ही थे, ओके. सो मैं उस पर बचा लूँगी. कैसे वो बचाएगी, आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर मेड टू माई मेजर. आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल एनफ. सो वो कहती है कि मुझे मेरे मेज़र के, मेरे माप के ब्यूटीफुल आर्मर नहीं चाहिए, मैं किसी भी सैनिक के आर्मर जो मुझे फिट हो जाएगा अच्छे से वो मैं यूज़ करूँगी. आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स, और मुझे ज़्यादा सैनिक भी नहीं चाहिए. द डाउफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ओरलेंस. ओरलेंस में सेंट्रल फ्रांस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये इंग्लिश के कंट्रोल में था. सो वो कहती है जो डाउफिन है वो मुझे सब कुछ दे देगा ओरलेंस को फ्री कराने के लिए. डाउफिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओके, मीन्स कि एक ओल्डेस्ट सन राजा का जो आगे चल के उसके फादर के पास राजा बनने वाला है, ओके. रोबर्ट शॉक्ड, ओके, बहुत ही शॉक्ड होके वो कहता है टू फ्री ओरलेंस. जॉन सिंपली कहती है, यस स्क्वायर 3 men विल बी एनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी. 3 आदमी ही एनफ होंगे मेरे साथ आपको भेजने के लिए. पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी. पॉली और जैक ने तो मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ आएंगे. तो रॉबर्ट से कहता है, यू मीन मीजिया दी पॉली गे. सो वो कहता है कि तुम मीजिया, मीजिया मीन्स एक फ्रेंच वर्ड होता है मिस्टर के लिए, ओके, मीजियर मीन्स मिस्टर, इन इंग्लिश इट इज मिस्टर. तो वो कहते हैं, वो कहता है रॉबर्ट कि तुम मिस्टर मीजियर दी पॉलिंग गे के बारे में बात कर रही हो. जॉन, यस स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली, ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव मी मनी टू गिव टू द पुअर. आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम एंड डिग द आर्चरर एंड देयर सर्वेंट्स. जॉन ऑफ होनकोट एंड जूलियन. सो व्हाट शी इज टेलिंग हियर कि यस स्क्वायर, स्क्वायर जैक ने, जैक तो विलिंगली मीन्स खुद से ही आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा काइंड जेंटलमैन है और वो मुझे पैसे देता है कि मैं गरीबों को दे दूँ, ओके. आई थिंक जॉन गॉड सेव, यहाँ पर गॉड सेव लिखा हुआ है. गॉड सेव ना कोई भी एक गुड सोल या फिर ऑनेस्ट पर्सन का एक निक नेम की तरह यूज किया जाता है, गॉड सेव. सो यहाँ पर कहती है कि आई थिंक जॉन गॉड सेव विल कम, जॉन तो आएगा ही. डिग द आर्चरर, आर्चर आप समझते हैं जो तीरंदाज होता है, ओके. डिग द आर्चरर और उसके कुछ नौकर, जॉन ऑफ होनकोट एंड जूलियन, ये सारे लोग उसके साथ आ रहे हैं. देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव दी ऑर्डर्स. वो क्या कहती है कि मैं इसमें आपको कोई भी ट्रबल, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है, आप सिर्फ मुझे ऑर्डर्स दे दीजिए. रोबर्ट टू द स्टीवर्ड, अब वो स्टीवर्ड को कहता है, इट इज दिस ट्रू अबाउट मीजिया दी पॉलिंजे. सो यहाँ पर कहता है कि क्या ये उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है, ओके, पॉली जिसे वो निकने में बुला रही थी उसके बारे में वो कह रहा है उसे ऐसा,
बिलीव ही नहीं हो रहा है. स्टीवर्ड एगर्ली, एगर्ली मीन्स बहुत ही बेताबी से, बहुत ही जल्दी से वो कहता है यस सर एंड अबाउट मीजियर दी मेट्स टू दे बोथ वॉन्ट टू गो विथ हर. फिर यहाँ पर वो एक और मिस्टर मेट्स के बारे में बात कर रहा है, जो वो दोनों पॉली एंड मेट्स दोनों उसके साथ जाना चाहते हैं. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इन टू द कोर्टयार्ड. अभी रॉबर्ट विंडो की तरफ जाता है और कोर्टयार्ड की तरफ देखते हुए चिल्लाता है सेंड मिजिया दी पॉलिन जे टू मी विल यू. ओके सो वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मिजिया दे पॉलिन जे को यहाँ मेरे पास भेजो, क्या तुम भेजोगे. ओके ही इज शाउटिंग. ही टर्न्स टू जॉन. ओके वो जॉन की तरफ मुड़ता है. गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड. बाहर जाकर यार्ड में वेट करो. ओके जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम. वो बहुत ही ब्राइटली, ओके एकदम ब्राइटली खुशी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है. राइट स्क्वायर शी गोज आउट. वो चली जाती है. रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड गो विथ हर. उसके साथ जाओ. स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर. आई शेल हैव हर अप हियर अगेन. तो वो कहता है कि उसके साथ रहो जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं देता हूँ, मतलब जब तक मैं तुम्हें बुलाऊ नहीं तब तक उसके साथ रहो और उस पर नजर रखो. आई शैल हैव हर अप हियर अगेन. मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ पर, मतलब मैं उसे वापस यहाँ पर बुलाऊंगा. द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हेजिटली. हेजिटली मीन्स मूव अवे इन अ हरी. रिट्रीट्स हेजिटली मीन्स मूव अवे इन अ हरी. और स्टीवर्ड बहुत ही जल्दी से उसे रिट्रीट हेजिटली जल्दी से वहाँ से मूव कर जाता है. Bertrand the Pauline J, a French guard, enters, salutes and stands awaiting. और Pauline J आता है, एक French guard है, वो अंदर आता है, salute करता है और खड़ा हो जाता है, wait करता है. okay? So यहाँ पर Robert उसे कहता है, she says, you, Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy ideas of going to the dolphins seriously? सो रॉबर्ट कहता है, वो कहती है तुम जैक और डिक ने ऑफर किया है कि तुम उसके साथ जाओगे, पर क्यों, क्या तुम उसके क्रेजी आइडियाज़ जो कि वो डॉल्फिन के पास जाना चाहती है उसे सीरियसली ले रहे हो. पॉलिन जे स्लोली बोलता है देयर इज़ समथिंग अबाउट हर इट मे बी वर्थ ट्राइंग. वो बोलता है उसमें कुछ तो ऐसा बात है जिससे हमें ये ऐसा लगता है कि हमें उसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए. रॉबर्ट ओ कम ऑन पॉली यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड. वो बोलता है अरे छोड़ो पॉली तुम अपने माइंड से बाहर हो चुके हो. पॉलिन जे अनमूव्ड मीन्स वो हिलता नहीं है. व्हाट इज रॉन्ग विद इट. इसमें गलत क्या है. द डॉल्फिन इज इन चिनॉन लाइक अ रैट इन द कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट द इंग्लिश विल टेक ओरलेंस ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. सो चिनॉन फ्रांस की एक सिटी का नाम है. जब ये वॉर हो रहा था तब उस टाइम की रॉयल फैमिली जो थी वो उन्होंने वहाँ पर जाके स्टे लिया था. एंड पॉलिन जे यहाँ पर रॉबर्ट से कह रहा है कि जो डॉल्फिन है वो चिनॉन में ऐसे छुप कर बैठा है जैसे कि एक रैट कॉर्नर में हो और उसने ऐसा मान लिया है कि वो नहीं लड़ सकता. एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट द इंग्लिश विल टेक ओरलेंस ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. और इंग्लिश क्या करेंगे मीन्स इंग्लैंड क्या करेगी कि ओरलेंस पर वो अपना कब्जा कर लेंगे और वो उन्हें नहीं रोक पाएगा. रॉबर्ट He beat the English the year before last at Montargis. I was with him. So, यहाँ पर रॉबर्ट जो है वो यहाँ पर पॉलिन जे से कह रहा है कि he means who? Dauphin. Dauphin ने last year English को beat किया था जब हम Montargis में थे और मैं वहाँ पर उसके साथ था. पॉलिन जे But this men are Coward and now he can't work miracles. Coward means what? Frightened. डरा हुआ. लेकिन अब ये आदमी क्या है, डरा हुआ है और अब ये miracles नहीं कर सकता. Miracles means कोई जादू नहीं कर सकता. So अब वो कोई जादू नहीं कर सकता. यहाँ पर वो डॉल्फिन की बात करे. And I tell you that nothing can save our side now but a miracle. So यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अब हमारा साइड, हमारे साइड को मीन्स फ्रांस को अब कोई miracle ही बचा सकता है. कोई ऐसा जादू होगा तभी फ्रांस बच सकता है. रॉबर्ट मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउडेज. ओके सो यहाँ पर रॉबर्ट क्या कह रहा है कि मिरेकल्स की बात तो सही है पॉली, लेकिन ये डिफिकल्टी है इसमें कि मिरेकल्स अभी नहीं होते हैं ना. नाउडेज मिरेकल्स डोंट हैपन. ओके नाउ अभी मिरेकल्स नहीं होते हैं. पॉलिन जे आई यूज्ड टू थिंक सो
आई एम नॉट सो श्योर नाउ. देयर इज समथिंग अबाउट हर. आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ अ मिरेकल. एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस. लेट सी व्हाट शी कैन डू. सो यहाँ पर पॉलिन जी रोबोट से कहता है, आई यूज टू थिंक सो. मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मिरेकल्स नहीं होते हैं. यस, बट अब मैं उतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसी बात है. ओके, नाउ इज टॉकिंग अबाउट जॉन. आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़की है वो खुद में ही एक जादू की तरह है. एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस. कुछ भी हो ये हमारा आखिरी चांस है. लेट सी व्हाट शी कैन डू. चलो देख लेते कि वो क्या करती है. रोबर्ट वेवरिंग मीन्स हेसिटेटिंग. ओके, मीन्स वो थोड़ा हिचकिचा रहा है. यू रियली थिंक दैट. तुम ऐसा सच में सोचते हो. पॉलिन जे टर्निंग. इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंकिंग. वो टर्न होके, ओके टर्निंग होके बोलता है कि इसके अलावा कुछ और बचा है हमारे पास कर सोचने को. लेट्स टेक अ चांस. हर वर्ड्स हैव पुट फायर इन टू मी. सो वो कहते हैं कि चलो एक चांस ले लेते हैं. उसके जो शब्द है वो मुझ में फायर डाल देते. मीन हैव इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड है ना. उससे वो बहुत में इंस्पायर हो जाते हैं. उसके जो वर्ड्स है वो मुझे एक तरह से करेज डाल देते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं. रोबर्ट गिविंग अप. वो यू आर एज मैड एज शी इज. ओके, अब वो गिव अप कर रहा है. ओके, उसने ये पॉलिन ने उसको जो पॉलिन जी उसने इतनी तरह से रोबोट को बताया है कि अब वो गिव अप कर रहा है और बोलता है कि तुम भी उतने ही पागल हो जितने की वो. पॉलिन जे ऑब्स्टिनेंटली मीन्स इन अ स्टबर्न एंड फर्म मैनर. वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ. सी वेयर द सेम वर्म्स हैव लैंडेड अस. सो हियर, जैसे कि आपने पहले देखा कि रोबर्ट जो है पॉलिन जे को कहता है कि तुम भी उसी तरह से पागल हो गए हो जैसे कि वो जॉन है. सो यहाँ पर वो बहुत ही स्टबर्न मैनर में उसे कह रहा है कि हमें ऐसे ही कुछ मैड पीपल अभी चाहिए. देखो वैसे ही कुछ हमें कहाँ पर ले आए. ओके, एक तरह से वो टॉन्ट मार के बोल रहा है. रोबर्ट आई फील लाइक अ फूल स्टिल. आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर. सो आफ्टर लिसनिंग टू पॉलिन जे रोबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर. सो यहाँ पर वो कुछ बोल रहा है कि मुझे एक मूर्ख की तरह लग रहा है कि आई एम अ फूल, बट फिर भी अगर आप श्योर हो तो. ओके, यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहा है. पॉलिन जे आई फील श्योर एनफ टू टेक हर चिन ऑन अनलेस यू स्टॉप मी. सो यहाँ पर पॉलिन जे से कहता है कि मैं तो इतना श्योर हूँ कि मैं उसे चिन ऑन ले जाऊँगा जब तक तुम मुझे रोकोगे. रोबर्ट डू यू थिंक आई आउट टू हैव अनदर टॉक विथ हर. सो यहाँ पर कहता है कि आपको लगता है कि मुझे जॉन से, ओके टॉक विथ हर मीन्स जॉन से मुझे एक बार और बात करनी चाहिए. पॉलिन जे गोइंग टू द विंडो. अब वो बिना कुछ कहे डायरेक्टली विंडो की तरफ जाता है. यस जॉन कम अप. ओके, वो जॉन को कहता है यस कम अप. जॉन एंटर्स. पॉलिन जे ग्रेवली मीन्स सीरियसली. बी सीटेड जॉन मीन्स बैठ जाओ जॉन. रोबर्ट व्हाट इज योर नेम. जॉन दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरियन. हेयर इन फ्रांस आई एम जॉन. द सोल्जर्स कॉल मी द मेड. सो यहाँ पर वो कहती है कि वो दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरियन. मीन्स लॉरियन इज अ प्लेस. लॉरियन में वो मुझे जेनी बुलाते थे. यहाँ फ्रांस में मैं जॉन हूँ और सोल्जर्स जो हैं, जो सैनिक है, वो मुझे मेड कहते हैं. ओके रोबर्ट हाउ ओल्ड आर यू. ओके रोबर्ट यहाँ पे उसे क्वेश्चन करते हैं तुम कितने साल की हो. जॉन 17. सो दे टेल मी 17. वो मुझे कहते हैं. इट माइट बी 19. हो सकता है 19 हो. आई डोंट रिमेम्बर. मुझे नहीं पता. ओके ही इज कंफ्यूज. रोबर्ट आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एन ईजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो. सो रेजिंग अ सीज मीन्स आप कह सकते हो कैसे हिंदी में घेराबंदी करते हैं. ओके सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक रिमूविंग द फोर्स सराउंडिंग अ प्लेस. एक तरह से घेराबंदी करके ओके अटैक करना, वहां से फोर्सेस को हटाना. सो यहाँ पर वो कहते हैं रोबोट जो है वो जॉन से कह रहा है कि क्या तुम ऐसा सोचती हो कि रेजिंग अ सीज इतना ईजी है जैसे कि एक काउ को मीडो से बाहर करना. एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ मीडो. ओके गाय जो काउ होती है उसे मीडो से बाहर करना. यू थिंक सोल्जरिंग इज एनी बडीज जॉब. तुम्हें क्या लगता है कि सोल्जरिंग जो है, जो सैनिकों का काम होता है, वो कोई भी आदमी कर सकता है. सो व्हाट शी टेल जॉन. ओके आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड. सो वो क्या कहती है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है अगर भगवान हमारे साइड
हूँ तो। रॉबर्ट ग्रिमली मीन्स इन अ सीरियसली मैनर, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, सो वो कहता है कि क्या तुमने कभी भी इंग्लिश सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग मीन्स लूटिंग, लूटना लूटपाट करना, बर्निंग टर्निंग द कंट्री साइड इन टू अ डेजर्ट मीन्स एक तरह से पूरे के पूरे शहर को पूरे के पूरे देश को तबाह कर देते हैं वो, यस इतना वो लोग आफत मचा देते हैं। हैव यू हियर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, सो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुमने जो प्रिंस है उसकी कोई भी कहानियां नहीं सुनी है कि वो खुद में एक डेविल है, डेविल मीन्स एक शैतान है, और इंग्लिश किंग का जो फादर है ये जो इंग्लिश का जो राजा उसके फादर के बारे में क्या तुमने एक तरह से वो उसे समझा मीन्स एक तरह से जो वो एक तरह से आप समझ सकते हो एक तरह से डरा के उसे बताना चाह रहा है कि दे आर सो डेंजरस। जॉन यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्कोर, आवर सोल्जर आर ऑलवेज बिटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, टू सेव योर स्किन मीन्स टू हैव टू सेव देयर लाइव्स। ओके तो यहाँ पर जॉन कहती है आप नहीं समझ रहे हैं इसको, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमेशा क्यों मार खा जाते हैं, हमेशा क्यों उनकी तरह से पिटाई हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो क्यों लड़ते हैं, बस अपने आप को बचाने के लिए, यस। और सबसे आसान सा तरीका क्या होता है अपने आप को बचाना, कि वहां से भाग जाओ। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं उन्हें सिखाऊंगी कि आपको मीन्स उन्हें फ्रांस के लिए अपने देश के लिए लड़ना है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स, सो यहाँ पर वो कह रही है कि मैं उन्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें मीन्स उन लोगों को फ्रांस के लिए फाइट करना है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप, तो वो यहाँ पर कह रही है कि वो ऐसे सोल्जर्स लोगों को भगा देंगे, इंग्लिश सोल्जर्स लोगों को, जैसे कि हम भेड़ों को हटाते हैं। यू एंड पॉली विल लाइव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस, वो कहती है कि आप और पॉली आप दोनों ही ये देखने के लिए एक दिन आप जरूर ये लाइव देखेंगे कि एक भी इंग्लिश सोल्जर हमारे सॉइल ऑफ फ्रांस में फ्रांस के मिट्टी पर नहीं होगा। ओके तो रॉबर्ट टू पॉलिंजे, अभी ये पॉलिंजे को रॉबर्ट कहता है, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस पॉली, ये सारा कुछ क्या एक नॉनसेंस है पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, थो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम। ट्रूप्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ओके सोल्जर्स के जो ग्रुप होता है, ओके ट्रूप दैट इज। सो यहाँ पर रॉबर्ट पॉलिंजे को कहता है कि जो ट्रूप्स है वो हो सकता है कि इन शब्दों से इंस्पायर हो जाए, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनमें हम वो जज्बा वो फायर वो आग नहीं डाल सके। इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम शी कैन पुट इनटू एनीबॉडी, सो कहती वो सॉरी रॉबर्ट कहता है इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट मीन्स जो डॉल्फिन है वो भी शायद इस पर बिलीव करे, और अगर वो उसमें कुछ फाइटिंग करने का कुछ ऐसे जज्बा डाल देती है, एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम शी कैन पुट इनटू एनीबॉडी, अगर वो उसमें डाल सकती है तो वो किसी में भी डाल सकती है। ओके अगर उसमें वो जज्बा डाल देगी डॉल्फिन में तो वो किसी में भी डाल देगी। रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, अभी जॉन की तरफ रॉबर्ट फेस करता है और कहता है नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक, सो कहता है कि अब तुम सुनो मुझे, बीच में रोकना टोकना मत, मेरे सोचने के समय से पहले टोकना मत, और तुम्हारा ये ऑर्डर्स है, योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर गोइंग टू चिनॉन अंडर द स्कॉट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स, सो वो कहता है कि तुम्हें ये ऑर्डर है कि तुम चिनॉन जा रही हो इस जेंटलमैन मीन्स पॉली को वो कह रहा है कि इस जेंटलमैन और इसके तीन दोस्तों के साथ इनके स्कॉट में जाओगी। स्कॉट से आप देख सकते हो कभी कोई लीडर्स या बिग पर्सनालिटी आते हैं तो उनके से पुलिस वगैरह स्कॉट करते हुए लेकर जाते हैं, अगर ओके अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं फिर कहीं आ रहे हैं। जॉन रेडियंट क्लैपिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर, सो ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाती है, अपने हैंड्स को क्लैप करने लगती है और थैंक यू स्क्वायर, ओके स्टेलिंग वो थैंकफुल होती है। पॉलिंजे हाउ इज शी टू गेट इन द रॉयल प्रेसेंस, यहाँ पर वो कहता है कि जो रॉयल प्रेसेंस है उनकी उपस्थिति में रॉयल उपस्थिति में वो कैसे आ पाएगी, मीन्स आप एक तरह से कह सकते हो कि इन द अदर वर्ड्स कि एक अभी उन्हें जिनॉन जाना है जहाँ पर रॉयल फैमिली है, सो वहाँ पर वो कैसे जाएगी, उनके उनको वो कैसे समझा पाएगी, ओके okay? वो क्या कहेंगे कि वो क्यों आई है। रॉबर्ट आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेसेंस,
सर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे प्रेजेंस में भी कैसे आ गई। आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर, मैं उसे चिनॉन भेजूंगा और वो कह सकती है कि मैंने उसे भेजा है। देन लेट कम व्हाट मे, लेट कम व्हाट मे मीन्स लेट एनीथिंग हैपन, चलो उसके बाद जो होना है वो जाने दो। आई कैन डू नो मोर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉन एंड द ड्रेस, अब वो कहती है और ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस फॉर, मुझे एक सैनिक का भी ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस फॉर, वंस वो एक तरह से क्वेश्चन पूछ रही है रॉबर्ट को कि क्या मुझे एक सोल्जर का ड्रेस मिलेगा। रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। सो रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, क्योंकि मैं इसे, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट मीन्स मैं इससे अपना हाथ आगे खींच रहा हूँ, नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट मीन्स मैं इससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रहा हूँ। जॉन वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, अब वो एकदम खुश है क्योंकि वो यही चाह रही थी। यस, वो बहुत ही अपने सक्सेस से बहुत खुश है। कम पॉली, शी डैशेज आउट, वो बोलती है कम पॉली और वो वहाँ से तुरंत जल्दी से बाहर चली जाती है। रॉबर्ट शेकिंग पॉलिंजेज हैंड, अभी रॉबर्ट पॉलिंजे से हैंडशेक कर रहा है, हाथ में ला रहा है, उसे कह रहा है गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस। वो कहता है गुड बाय, ही इज अ ओल्ड मैन आई थिंक, वो पॉली थोड़ा एजेड होगा, मैं एक बड़ा चांस ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, कुछ लोगों ने ही, कुछ अदर जो आदमी हैं उन्होंने ही ऐसा कुछ किया होगा। बट एज यू से देर इज समथिंग अबाउट हर, लेकिन जैसे तुमने कहा कि उसमें कुछ तो बात है। ओके, सो आप लास्ट में देख सकते हो कि इज ऑल्सो एग्रिंग, यस एग्री कर रहा है वो एक तरह से जॉन से। सो पॉलिंजे सेइंग यस देर इज समथिंग अबाउट हर गुड बाय, सो वो कह रहा है कि यस उसमें कुछ तो ऐसी बात जरूर है। ओके एंड ही सेइंग गुड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सो दिस इज आवर लेसन। ओके इज क्वाइट फ्यू इंटरेस्टिंग, आई डोंट थिंक कि थोड़ा सा है ये इंटरेस्टिंग है, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके क्योंकि एक पार्ट है, ओके इट इज़ अ वन पार्ट फ्रॉम द प्ले, सो ये उतना तो मुझे लगता कुछ है नहीं, बट इट इज़ नाइस, इट इज़ अ नाइस स्टोरी। एंड बेसिकली जो जॉन है वो बहुत ही अच्छी फाइटर थी, वो एज एज ऑफ 19 सिर्फ 19 साल में उसकी डेथ हो गई थी। ओके फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ स्टे सेफ।